राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बलवान ठाकुर ने कहा कि कालका और पिंजौर की गली मोहल्लों में गुंडागर्दी और लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। जिला पुलिस प्रशासन को इस पर नकेल कसनी चाहिए। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बलवान ठाकुर ने सोमवार को कहा कि और चिंता व्यक्त की है कि जिस तरह कालका और पिंजौर शहर में हर दिन गुंडागर्दी बढ़ रही है, हर गली मोहल्लों में लड़ाई झगड़े सरेआम गुंडागर्दी चल रही है और लॉ एंड ऑर्डर का कोई ध्यान नहीं है, जबकि हरियाणा के हर ज़िले में यही हाल है और हरियाणा सरकार को इस पर नकेल कसनी चाहिए। जहां एक ओर गुंडागर्दी को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर इसकी मुख्य वजह बेरोजगारी भी है, क्योंकि सरकार ने युवाओं को रोज़गार नहीं दिए हैं। लड़ाई झगड़े और गुंडागर्दी की मुख्य वजह बेरोजगारी है। आज महिलाएं और आम वर्ग खुलेआम घूमना मुश्किल हो गया है, क्योंकि छीना झपटी घटनाओं को बढ़ावा मिला है। लड़ाई झगड़े गुंडागर्दी जैसी घटनाओं से सरकार चारों ओर से फेल हो चुकी है। सरकार यदि इसे कंट्रोल नहीं कर सकती है तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, अन्यथा गवर्नर राज लगाया जाना चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। वहीं सरकार जनता को मूलभूत सुविधाएं देने से वंचित है, इसलिए सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। यहां पर कपिल दत्ता, दशरथ कश्यप, अमित शर्मा, श्याम बत्रा, हितेश सोनकर, अन्य लोग मौजूद थे। सरकार से यही गुहार लगाना चाहता हूँ के हरियाणा के हल्का कालका के अंदर जो गुंडागर्दी का दौर चल रहा है, हर तीसरे दिन कहीं ना कहीं शरेआम गुंडागर्दी सड़कों पे, गलियों में चोर बजारी, कहीं चैन छीन के भाग रहे हैं, महिलाओं का सड़कों पर निकलना दुर्भर हो चुका है। मेरी सरकार से दोनों हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए और ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा का इंतजाम किया जाए ताकि ऐसी वारदाताओं पर अंकुश लग सके। और सरकार अगर चाहे तो रोजगार के अवसर देकर इन युवाओं को जो भटक रहे हैं, आपस में लड़ाइयां झगड़े कर रहे हैं, इनको रोजगार के अंदर व्यस्त करे ताकि हमारे आने वाली संतानें इस लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। अभी बहुत गहरी चिंता का विषय है कि कालका के अंदर, पिंजौर के अंदर हर तीसरे दिन शरेआम रोडों के ऊपर तलवारें लहराई जाती हैं, चाकू चलाए जाते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े किए जाते हैं। फिलहाल अभी कल और परसों में ही दो दिन लगातार धर्मपुर में और रेलवे क्रॉसिंग के पास बहुत खतरनाक लड़ाई हुई है, जिससे जान माल को खतरा है और आने जाने वाले आम जनता के लिए बहुत खतरे की बात है। शरेआम गुंडागर्दी हो रही है। सरकार से यही अनुरोध है कि इसके ऊपर अंकुश लगाया जाए और सख्ती से निपटा जाए।